नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्यवती बनाने वाला पर्व करवा चौथ उन व्रतों में से एक है जिन्हें पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे पति के लिए करती हैं। यह पर्व खास करके पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। हालांकि पिछले कई सालों से इसका प्रचलन बिहार, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी बढ़ा है। यह व्रत कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। इस साल सुहागिनों के लिए शुभ लाने वाला यह पर्व 24 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 सालों के बाद करवा चौथ पर शुभ योग बन रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस व्रत में शुभ मुहूर्त पर पूजा करना और चांद को देखकर ही व्रत को खोले जाने का रिवाज है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बार पूरे 5 सालों के बाद करवा चौथ पर विशेष संयोग बने हैं। रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ ही रवि यानी कि सूर्य भगवान के प्रिय दिन का संयोग बन रहा है, इसलिए भगवान शिव, पार्वती, चंद्रमा, करवा के अलावे श्री गणेश और सूर्य देव का भी आशीर्वाद व्रती महिलाओं को मिलेगा। इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 से शुरू होकर 25 अक्टूबर की सुबह 5:43 तक रहेगी। वहीं पूजा करने का भी शुभ मुहूर्त बताया गया है जो कि शाम के समय शुरू होता है। इस बार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहेगा। वहीं आपको बता दें कि चंद्रोदय यानी कि चांद का उदय रात को करीब 8:11 पर हो सकता है। अब आपको पूजा की विधि बताते हैं। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर सास या फिर किसी अन्य सुहागिन महिला से सरगी ली जाती है। सरगी में दिए गए खाने वाले चीज का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है और फिर उसके बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और दिन में सोया भी नहीं जाता है। शाम के वक्त पूजा की विधि शुरू होती है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होती है, इसलिए शाम के वक्त विधि विधान से पूजा करके और कथा पढ़ी जाती है। अब व्रत खोलने से पहले चांद के निकलने से पहले ही थाली में धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प और मिठाई रख लें। साथ ही करवे में अर्घ देने के लिए जल को भर लें और फिर चांद निकलने के बाद अर्घ देकर छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ लें। हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि व्रत तोड़ने के बाद शुद्ध सात्विक और शाकाहारी भोजन खाने चाहिए और इस दिन दान में सफेद रंग की कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। अगर आपके यहाँ भी करवा चौथ पूजा होता है तो हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।